हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व की हुई हैं, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट कर लेने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स तक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये होगा कि जो कंसेप्ट हमने स्टडी किए हैं अभी तक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उन पर हम प्रॉब्लम्स कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ताकि हमारा कंसेप्ट एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 है उससे रिलेटेड। तो आप देखिए यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट, दो पॉइंट्स हैं आपके। इफ Q2 इज इक्वल टू 4 नैनोकुलम फाइंड Q1, जिसमें से दो अलग अलग क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, E at 5.0.6 has no Z component. That means electric field intensity जो आपकी है इस point पर, वहां पर आपका Z component 0 है। ठीक है, तो AZ जो small AZ होगा ना, उसके सामने वाली value क्या है आपकी, 0 है। ये point आप ध्यान में रखो। तो आपको क्या अचीव करना है, Q2 आपको given है, ये point आप ध्यान में रखना। तो पहले हम पहले question पर ही focus करते हैं। तो आप समझो हमारे पास पॉइंट चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ऑलरेडी। क्या होता है फॉर्मूला आपका, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर। बेसिकली एप्सिलॉन की जगह मैंने यहां पर पुट किया एप्सिलॉन नॉट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहां पर आपको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहीं भी गिवन नहीं है। दैट मीन्स एप्सिलॉन आर यहां पर 1 है, दैट मीन्स आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। आर स्क्वायर आपका क्या होता है, वैसे सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आर स्क्वायर होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है ना, जहां पर आपका पॉइंट चार्ज है और जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, उन दोनों के बीच की आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। आर आपकी बेसिकली डिस्टेंस है और आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है। ए आर क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। उसको निकालने का तरीका भी हमें आता है, मैं आपको इस टाइप की प्रॉब्लम पहले भी करा चुका हूं। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, मैं एक रफ डायग्राम आपके लिए क्रिएट कर देता हूं। लेट सपोज यहां पर पॉइंट पी है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो। ये पॉइंट है 5.0.6 और यहां पर आपके दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q2 की लोकेशन क्या है आपकी 2.0.1 और Q1 की लोकेशन क्या है 4.0.-3। ये बात ध्यान रखना, ये जस्ट रफ डायग्राम है आपके रेफरेंस के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैंने बनाया है। ठीक है ना, मैंने यहां पर एक एक पॉइंट को देख देख कर ड्रॉ नहीं किया कि कौन सा पॉइंट ऊपर आएगा कौन सा पॉइंट नीचे आएगा, ये सारी चीजें मैंने यहां पर शो नहीं की हैं। ये जस्ट दो पॉइंट्स हैं जिन पर पॉइंट चार्जेस हैं और उसके कारण पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दैट्स इट, मैंने आपको शो कर दिया है। अब आप समझो, Q2 आपको पता है, Q2 की वैल्यू कितनी है 4 नैनोकुलम, मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं आपके लिए। Q1 आपको अचीव करना है, तो यहां पर ये मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन आप ध्यान से समझो, चूंकि दो पॉइंट चार्जेस हैं इसलिए E1 प्लस E2 आपको करना होगा। ठीक है ना, सुपरपोजिशन हमने स्टडी किया था ना, तो एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो अगर आपको याद हो ना, जब हमने कूलम्स लॉ में भी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो मेन कैलकुलेशन ना सिर्फ इसका होता है, आर स्क्वायर का और AR का। देखो जब आप E1 निकालोगे तो यहां पर Q1 आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है, तो मेन अगर आप ये दोनों कैलकुलेशन कर लो तो फिर आपका काम हो जाएगा। सेम जब E2 निकालोगे तो यहां पर Q2 आ जाएगा, फिर से ये दोनों का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, अब E1 के लिए, E1 के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले E1 मींस Q1 के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम R और AR अचीव करेंगे। तो आप समझो, R वेक्टर अगर आप सबसे पहले निकालते हो, उसको आप D से भी शो कर सकते हो, डिस्टेंस वेक्टर। तो मैंने आपको समझाया है कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वेक्टर अचीव करना है, तो दिस माइनस दिस, दैट्स इट, दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 5 - 4 1 होगा तो AX, 0 - 0 तो 0 AY हो जाएगा, 6 - -3 ध्यान रखना माइनस साइन है, तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 AZ। ये आपने वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। देखो फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू AX, सेकेंड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू इंटू AY, थर्ड वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू इंटू AZ।
ये हमारा आ गया। उसके बाद देखो इसका मॉड निकाल लो, मॉड कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो ध्यान से 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 82। पॉइंट समझ में आ गया। तो आपने यहां पर आर निकाल लिया, आर स्क्वायर तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद ए आर, ए आर मीन्स होता है आपका जो आप ये आर निकालते हो ना, आर वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, यूनिट वेक्टर यही होता है ना, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके मॉड से उसको डिवाइड कर दो। तो कितना आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस 9az डिवाइडेड बाय अंडर रूट 82, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर सेम आप E2 के कैलकुलेशन के लिए भी अचीव कर लो। तो यहां पर मैं आपको E2 के कैलकुलेशन के लिए भी शो कर देता हूं। देखो हमने यहां पर E1 के कैलकुलेशन के लिए अचीव कर लिया, सेम चीज E2 के कैलकुलेशन के लिए। तो ध्यान से देखो R कितना होगा आपका 5 माइनस 2, 3ax 0 माइनस 0, तो 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। इसके अलावा 6 माइनस 1 5az, तो यहां से मॉड ऑफ आर कितना होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 34। और आपका ए आर कितना हो जाएगा 3ax प्लस 5az डिवाइडेड बाय अंडर रूट 34, ये आपका यहां तक आंसर बन जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर अपना कैलकुलेशन आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप देखो जो वैल्यू E की होगी वो कितनी होगी, E1 प्लस E2, दैट मींस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मींस 82, ए आर आपको पता है AX प्लस 9az डिवाइडेड बाय अंडर रूट 82, फिर प्लस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखो आर स्क्वायर दैट मींस 34, और फिर ए आर कितना है देखो 3ax प्लस 5az डिवाइडेड बाय रूट 34। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके बाद आप समझो क्या बोला है, हैज नो जेड कंपोनेंट, बहुत इजी है, बस जो स्मॉल az दिखाई दे रहा है ना, उसके सामने के एम्पलीट्यूड को, उसके सामने के कंपोनेंट को इक्वल टू 0 कर दो, दैट्स इट। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ez आपको 0 करना है, दैट मींस 9 बाय रूट 82, और ये बाहर वाला पूरा, ठीक है, आपको सिर्फ az का लेना है। आप अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो az के साथ क्या क्या आएगा वो सारी चीजें आप लिख दो। तो कितना हो जाएगा q1 9 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 82 रूट 82, ये हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर देखो q2 और यहां पर आएगा 5 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 34 रूट 34 इज इक्वल टू 0, यही होना है बस, और कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। az के कंपोनेंट को 0 के इक्वल करो। अब देखो आप जानते हो जो जो आपके कॉमन आ रहे हैं, कॉमन क्या आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो आप सिंपली कैंसल इसलिए कर सकते हो क्योंकि वो तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता ना, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका जो पॉइंट है वो आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। तो अब आपका क्या बचेगा, आप समझो आपको अचीव क्या करना है, आपको अचीव करना है यहां पर Q1, Q2 आपको गिवन है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो देखो चूंकि आपको पता है Q2 आपका नैनो कूलाम में है, तो आप नैनो पुट मत करो, सिर्फ 4 ही पुट करो, तो आपका Q1 भी ऑटोमेटिकली नैनो कूलाम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखो, हम ना पहले Q1 के फॉर्म में लिख लेते हैं चीजों को। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, -5 Q2 34 रूट 34, और यहां पर देखो डिवाइड में आपका 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका 82 रूट 82, ठीक है। तो यहां से अब आपको पता है कि Q2 की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 4 पुट करनी है, और बाकी सभी चीजें आपके पास हैं। तो यहां पर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर भी शो कर देता हूं। तो यहां पर अगर मैं अब कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो -5, उसके बाद Q2 कितना है 4, और उसके बाद 82 रूट 82, तो यहां पर 82 रूट 82 डिवाइडेड बाय 34 रूट 34 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां पर आंसर आ रहा है आपका 8.3
8.32, तो 8.32319 नैनो कूलाम, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन सामने माइनस साइन है, माइनस साइन को भूलना नहीं है, इसी को हम सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, एग्जाम में यही होता है हमसे। तो ये हमारा Q1 का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेम हम यहां पर सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट 5.06 हैज नो एक्स कंपोनेंट। तो अब हम ये आंसर यहां पर सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले थोड़ा क्लीन करता हूं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो आप सेकंड प्रॉब्लम, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट 5.06 हैज नो एक्स कंपोनेंट, मतलब आपको फोर्स निकालना है 5.06 पे जिसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। आपको अब यह समझना होगा कि यहां पर फोर्स किस पे बोल रहा है। आपको अगर कूलम्स लॉ याद हो तो हमने कूलम्स लॉ में क्या स्टडी किया था कि Q1 Q2 के बीच में आप फोर्स अचीव करते थे, कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे वो क्या होता था, फोर्स अपॉन चार्ज। बेसिकली फोर्स अपॉन चार्ज करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज करने से क्या मिल जाएगा, फोर्स। एक बात ध्यान रखना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बहुत अलग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर चार्ज होता है जिसके कारण आप किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हो, जबकि फोर्स पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स आप अचीव कर रहे होते हो। तो यहां पर आपको ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप ये बात समझ पाओ कि यहां पर जब आप बात करते हो ना, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो Q1 Q2 नहीं है। किसी टेस्ट चार्ज पर आप Q1 Q2 के कारण फोर्स देख रहे हो, मतलब Q1 और उस टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स, Q2 और उस टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स, ये है मतलब बोलने का। तो Q1 Q2 के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अचीव की हुई है 5.06 पे, और फोर्स भी आपको 5.06 पे ही बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना, अगर आपने कूलम्स लॉ ठीक से समझा है तो आप ये समझ पा रहे होंगे, या आप ये समझना है आपको कि इस सिचुएशन में पॉइंट पी की जगह एक आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, 5.06 पे, जिसके कारण आपको यहां पर टोटल फोर्स अचीव करना है, या बेसिकली Q1 और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स, Q2 और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स, और फिर आपको दोनों को ऐड करना है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, पॉइंट समझ में आया। तो यहां से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ऑलरेडी आप निकाल चुके हो और सेम पॉइंट पे आपको फोर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी अभी कैलकुलेट की है ना, E1 प्लस E2, ठीक है, मैं वैल्यूज नहीं पुट कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। उसमें बस आपको करना क्या है, F इक्वल टू लिखना है Q E1 प्लस E2, QE। Q क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है, हमें Q से कोई मतलब ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। फिर आपको क्या करना है, जो E1 E2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी ना, वो आपको यहां पुट कर देनी है, और उसके बाद आपको X कंपोनेंट को, जैसे हमने पिछली बार Z कंपोनेंट को जीरो किया था, इस बार X कंपोनेंट को जीरो कर देना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, जब आप X कंपोनेंट को जीरो करोगे ना, तो दोनों जगह QQ सेम रहेगा, तो QQ का इफेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करो, और इसका भी आंसर आई थिंक माइनस में ही आएगा, तो आप लोग कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ कितना आंसर आया, और अगर कहीं डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, आप देखो यहां पर, डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन लाइन 0 to x to 6 meter, यूनिट मीटर है, इफ रो एल इज इक्वल टू 12x² मिली कूलम पर मीटर। तो मिली और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना एमएम में ना। उसके बाद आप देखो, ऑन द सिलेंडर रो इक्वल टू 3 meter, 0 to z to 4 meter, इफ रो एस इज इक्वल टू रो जेड स्क्वायर नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, विद इन स्फीयर आर इक्वल टू 4 meter एंड रो वी इज इक्वल टू 10/r sin θ कूलम पर मीटर क्यूब। देखो मैंने यहां पर इंटेंसली तीन प्रॉब्लम ली है ताकि अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको समझा सकूं। प्रॉब्लम आपको लग रही होगी लेंथी, लेकिन बहुत इजी है। आप देखो यहां पर अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, देखो आपको ना लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है रोएल, और आपको चार्ज निकालना है, चार्ज टोटल चार्ज, बहुत इजी होता है, हमने पढ़ रखा है रोएल डीएल। तो क्यू क्या होता है आपका, रोएल डीएल, दैट्स इट, ये आपका आंसर होगा। तो यहां पर आप देख लेते हैं, कूलम पर मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, आपका कूलम आंसर आ जाएगा। तो अब हमें देखना क्या है, ये समझो, देखो रोएल की वैल्यू आपको पता है, रोएल की वैल्यू कितनी है, 12x² मिली कूलम पर मीटर, तो आपका आंसर मिली कूलम में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं मिली कूलम लिख देता हूं आंसर के लिए साइड में,
उसके बाद डीएल मीटर, तो डीएल क्या रखेंगे हम लोग, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप समझो यहां पर आपको लेंथ कौन सी दी हुई है, आप देखो 0 to x to 6, हमें पता है कि यहां पर x वेरिएबल है और मैंने समझाया है डीएल मींस जिसमें चेंज हो रहा हो, तो डीएल होता क्या वैसे dx से x, लेकिन यहां डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट है नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए, तो आप क्या मेंशन करोगे यहां पर dx, ठीक है 0 to x to 6, और यहां पर 0 to 6 आपकी लिमिट हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां से q की वैल्यू कितनी होगी 12 x³/3 0 to 6 मिली कुलाम में आंसर आएगा, और 12/3 4 कर दो बाहर में, उसके बाद आप देखो 6³ - 0 मिली कुलाम, देख सकते हो 12/3 मैंने 4 किया, लिमिट पुट की, 0 पे 0 हो जाएगा और 6 पे 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 6³ × 4 मिली कुलाम, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखो प्रॉब्लम नंबर बी, तो यहां से अगर हम प्रॉब्लम नंबर बी की बात करें तो आप समझो ऑन द सिलेंडर आपको मेंशन है रो इक्वल टू 3, तो आप समझ सकते हो रो आपको कांस्टेंट गिवन है 3 पर, जेड आपका चेंज हो रहा है और आपको ना रो एस गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है रो एस डी एस, ठीक है ना आपको आता है, तो यहां से आप क्या लिखोगे रो एस डी एस, तो कितना हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, रो एस की वैल्यू कितनी है रो जेड स्क्वायर, नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर तो डीएस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका ओवरऑल आंसर किसमें आ जाएगा यहां पर नैनो कुलाम में आ जाएगा, ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि मैं नैनो को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप नैनो कुलाम में आंसर लिख देना। उसके बाद देखो रो जेड का स्क्वायर है, यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, आपको यह समझना होगा रो 3 पर कांस्टेंट है, जेड की रेंज दी है, लेकिन डीएस पे तो कोई दो चीज चेंज होती है ना, तो देखो ना यहां पर टोटल 3 होती है आपकी रो फाई जेड, फाई की रेंज मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है कि फाई की रेंज अगर ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना है 0 से 2 पाई, जो स्टैंडर्ड हमने रेंज स्टडी की है, तो यहां पर एक्चुअल में अगर रो 3 पर कांस्टेंट है और डीएस में कोई दो चेंज होते हैं पता है सरफेस डिफरेंशियल सरफेस, तो यहां पर आपका जो आंसर है डीएस का वो क्या होगा, वो आपका होगा डी फाई डी जेड, और जब डी फाई डी जेड होता था डायरेक्शन क्या होता था स्मॉल एरो, और याद करो मैंने आपको डिफरेंशियल सरफेस एरिया के फॉर्मूले याद रखने का ट्रिक सिखाया हुआ है, तो वहां पर H1, H2, H3 वाला कंसेप्ट था, मैं हर एक लेक्चर में आपको बोलता आया हूं कि ट्रिक एक बार समझ लो और सारे फॉर्मूले माइंड में रख लो, तो यहां पर आपका डी फाई डी जेड होता था और सामने क्या होता था H1, H2, H3 में से H2 × H3, मतलब क्या आता था सामने आपका रो, ठीक है, वो ट्रिक मैं दोबारा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूं, आप इसको एज अ फॉर्मूला ले सकते हो डीएस का, लेकिन ट्रिक को एक बार जाके आप जरूर रिवाइज करो, और जो पहली बार भी चैनल पे आए हो जरूर जाके स्टार्टिंग के लेक्चर देखो जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको ना फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली बस ट्रिक माइंड में रखो। तो यहां से आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, आपने रो डी फाई डी जेड मेंशन कर दिया डीएस की वैल्यू, देखो रो जो है वो 3 पर कांस्टेंट है, जेड की रेंज क्या है आपकी 0 से 4 और फाई की रेंज क्या होती है 0 से 2 पाई, ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी। उसके बाद हम यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो रो इंटू रो रो स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका 9, उसके बाद आप देखो यहां पर फाई का कोई टर्म नहीं है, और जब आपका फाई का कोई टर्म नहीं है इसका मतलब क्या होगा डी फाई का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा फाई, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, तो 2π - 0 आंसर क्या हो जाएगा आपका 2π। उसके बाद आप देखो जेड स्क्वायर है तो डी जेड के रेस्पेक्ट में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z³/3, पॉइंट समझ में आ गया, फाई का कोई टर्म नहीं था तो डी फाई का फाई हो गया, लिमिट 2π - 0, जेड की लिमिट क्या है 0 to 4, तो आप पुट कर दो, यहां से आप देखो 1, 1, 3 आपका कैंसल हो रहा है, क्लियर हो गया अच्छे से, रो इंटू रो रो स्क्वायर था, रो स्क्वायर की वैल्यू 9 हमने पुट की थी, यहां से अब देखोगे आप तो ये हो जाएगा 6π और 4 का क्यूब दैट मीन 64, ठीक है और कुछ तो नहीं है आपका, आप आराम से चेक कर सकते हो यहां पर, और आंसर आपका किसमें आएगा नैनो कुलाम में। तो ये आपकी हो गई यहां पर प्रॉब्लम नंबर बी फिनिश। अब प्रॉब्लम नंबर सी, प्रॉब्लम नंबर सी क्या है, विद इन द स्फीयर रो वी गिवन है, तो बस फिर से रो वी डी वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे आंसर लिख दोगे रो वी डी वी, और देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो डीवी का फॉर्मूला क्या था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, अगेन ट्रिक H1, H2, H3, DU, DV, DW, क्या था फॉर्मूला R² sin थीटा, DR, D थीटा, D फाई,
ठीक है, तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे। अब देखो रो वी कितना है, टेन अपॉन आर साइन थीटा, फिर डी वी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, आपको पता ही है अच्छे से। यहां पर अब आप देखो, जब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो तो आपको अब सबकी लिमिट चाहिए एक्चुअल में, आपको ध्यान रखना होगा तीनों के तीनों आपके चेंज हो रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि r इक्वल टू 4 मीटर लिखा है तो तीनों कैसे चेंज हो रहे हैं। तीनों आपके चेंज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r इक्वल टू 4 मीटर लिखा है, r क्या है, स्फीयर की रेडियस है, दैट मीन 0 से 4, ठीक है, रेडियस कभी नेगेटिव तो होगी नहीं ना, तो 0 से 4 ये आपकी रेंज हो जाएगी r की। थीटा, थीटा आपको कहीं भी गिवन नहीं है, तो थीटा की स्टैंडर्ड लिमिट यूज करोगे 0 से पाई, मैंने आपको सिखाया हुआ है। और फाई की तो आपको बता ही चुका हूं लास्ट टाइम भी, 0 से 2 पाई होती है, तो ये आप स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट कर लोगे। अब यहां से आप सॉल्व करना शुरू करो, तो देखो एक एक आर साइन थीटा तो पहले ही आपका कैंसिल हो गया, तो एक आर आपका बच जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टेन आर, और थीटा और फाई का कोई टर्म है नहीं, तो सिर्फ आर का इंटीग्रेशन होना है आपका, तो टेन को बाहर कर दो, आर का आर स्क्वायर बाई टू, डी थीटा का कितना हो जाएगा थीटा, लिमिट है 0 से पाई, डी फाई का फाई लिमिट है 0 से 2 पाई। ये पॉइंट समझ में आ गया, यहां पर आपका आंसर जो है वो कुलाम में ही आएगा, क्योंकि यूनिट आपकी कुलाम है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहां से अब आप देखो 10 बाई 2 5, आर की लिमिट क्या है आपकी 0 से 4, तो ये हो जाएगा आपका 16। मैंने 2 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ना, 10 बाई 2 5 है और 4 का स्क्वायर 16, 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहां पर पाई और यहां पर 2 पाई, तो अगर आप आंसर वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ये हो जाएगा 10 160 पाई का स्क्वायर कुलाम, ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कितनी इजी प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आप जनरली 1 मार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। इसके अलावा बस इस तरह की प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करनी है, क्योंकि ये किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सब पार्ट हो सकती है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर? नाउ एक और प्रॉब्लम हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर फिनिश करेंगे। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, आप देखो प्लेन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 कैरीज चार्ज रो एस इज इक्वल टू 6 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट -1, 0, 1। आप समझो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अचीव करनी है और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, दैट मींस रो एस गिवन है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होती है तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अचीव कर सकते हो, तो वो फॉर्मूला आप जाकर देख सकते हो। मैं यहां पर फॉर्मूला आपके लिए मेंशन कर देता हूं, फॉर्मूला आपका होता है रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन को यहां पर मैं ए एन से शो कर रहा हूं। आप समझो यहां पर पॉइंट को, एप्सिलॉन नॉट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो एस की वैल्यू भी गिवन है। पूरा क्वेश्चन ही आपका क्या है, ए एन की करेक्ट वैल्यू निकालने पर है, डायरेक्शन की करेक्ट वैल्यू निकालने पर है। आपको यहां पर मैंने पहले भी इस टाइप की एक प्रॉब्लम करवाई हुई है, आगे जब बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे तब भी इस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा, कि जब भी आपको कोई ना प्लेन गिवन हो ना, तब आप डायरेक्शन जो निकालते हो, नॉर्मल डायरेक्शन कहलाता है वो, तो आपको प्लेन जब भी गिवन हो तो आप नॉर्मल डायरेक्शन कैसे अचीव कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर आप डायरेक्शन कैसे अचीव कर सकते हो। तो आप देखो जब भी आपको प्लेन कोई गिवन होता है, मैंने आपको ये प्रॉब्लम तब कराई थी जब मैंने वेक्टर कैलकुलस के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सिखाई थी ना, तब मैंने उसमें से एक प्रॉब्लम ये वाली भी करवाई थी, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो जब भी आपको कोई प्लेन गिवन हो तो आप उस केस पे डायरेक्शन कैसे अचीव करते हो, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप ले सकते हो f इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5, उसके बाद आप निकालोगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ f, तो ग्रेडियंट क्या होगा आपका, आपको पता है ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है लेकिन आता वेक्टर है, तो ग्रेडियंट होता क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू ए वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू ए जेड, मतलब पहले पूरी क्वांटिटी का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो और स्मॉल ए एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, स्मॉल ए वाई से करो,
जेड के रेस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे और जेड का कोई टर्म नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहां से कितना होगा देखो, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका वन हो जाएगा, बाकी दोनों का जीरो, तो आंसर हो जाएगा ए एक्स। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और 5 दोनों का जीरो होगा, y का क्या हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 2, तो 2ay, ये आपका आ गया डेल f। उसके बाद बहुत इजी है, आपको ये जो मिला है ना ग्रेडियंट ऑफ f, इसी का ही आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और वही आपका होगा an, वही होगा नॉर्मल डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो उसका क्या निकालना होगा, मॉड, और उसके मॉड से वेक्टर को डिवाइड करना होगा। तो देखो an क्या हो जाएगा, डेल f जो आपको पता है डिवाइडेड बाय उसका मॉड, मॉड कितना होगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ना एक और पॉइंट जो मैंने उस टाइम डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, वो ये होता है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन प्लस ऊपर माइनस नीचे, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, तो आपको आइडिया होना चाहिए प्लस या माइनस दोनों हो सकता था, वो आप कैसे पता लगाओगे, तो आप समझो यहां पर आप देखो, आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1, 0, 1, तो आप समझो आपको प्लेन एक्स प्लस 2y = 5 गिवन है, कैरीज चार्ज, मतलब जो प्लेन है ना वो चार्ज कैरी कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, उसके कारण इस प्लेन में जो चार्ज है उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट। तो अगर यहां पर मैं ये प्लेन ना ड्रॉ कर दूं आपके लिए, तो आप देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, प्लेन आपको कौन सा गिवन है, प्लेन आपको यहां पे गिवन है x प्लस 2y = 5। तो सिंपल लाइन का इक्वेशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 5/2, ये आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी 5, हमें पता है ना x एक्सिस में y 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है, तो बस मैं निकाल रहा हूं, y को 0 करो तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो बेसिकली आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, बस मैं काम की चीज ही आपके लिए शो कर रहा हूं। आप देखो पॉइंट जो है वो -1, 0, 1 है, आप समझो जब पॉइंट आपका -1, 0, 1 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस है, वाई की वैल्यू जो है वो जीरो है, इस बात को समझो, वाई की वैल्यू जीरो है। अगर ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और y की वैल्यू जीरो है पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि x की वैल्यू देखो क्या है, माइनस वन है, इस बात को समझना, ये जो लाइन आपकी ऐसे एक्सटेंड हो रही होगी, x की वैल्यू माइनस वन है और y की वैल्यू जो है, मैं z पे फोकस भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ x और y को देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन है, लाइन आपकी इस तरीके की होगी, देखो अगर एक्सटेंड करते हो तो x माइनस वन है मतलब यहां कहीं पर, और y जीरो है, मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इससे नीचे की तरफ होगा, जो पॉइंट है वो इससे नीचे की तरफ है, क्योंकि y जीरो है और यहां पर देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 2.5 है, ये वैसे हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, अगर आप आगे जाओगे तो आपको और भी बड़ी लाइन मिल जाएगी। बोलने का मतलब क्या है कि आपको यहीं पर देखने से समझ में आ जाता है कि जो ये पॉइंट है y की वैल्यू जो जीरो है वो नीचे होगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, जब आपको जो प्लेन गिवन है जिसपे रो एस है आपका, उसके नीचे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट मींस यहां पे आप डायरेक्शन लोगे नेगेटिव। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यकीन मानो दो ऑप्शन आते हैं, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, अब सोच सकते हो आप, और जनरली हमारी आदत होती है कि हम प्लस ही लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो कर लो, रो एस 6 नैनो कूलाम, नैनो में ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका नैनो में आ जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो आप पुट कर दो, चलो पुट ही कर देते हैं, 10^-9 कर देते हैं, नैनो को हटा देते हैं। उसके बाद 2 × 8.854 × 10^-12, फिर ध्यान रखना यहां पर माइनस साइन है ना, तो यहां पर जब ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, -ax - 2ay √5, ये आपका हो जाएगा। देखो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है यहां पर, रो एस की वैल्यू पुट कर दी 2ε0 और ये ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको पता है नैनो आप हटा चुके हो, तो आंसर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर में होता है, तो आपका आंसर वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना इसे, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट पे आपको फोकस रखना है, लेकिन कैलकुलेशन भी करते चलना है,
कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जल्दी करते हो और करेक्ट करते हो, ठीक है। तो आज मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। आई होप आपको तीनों प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।